हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वाटरमेलन जूस, जिसको हम तरबूज की शरबत भी बोलते हैं। ये बहुत ही कूलनेस और रिफ्रेशिंग फील देता है, और अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए तो आप इसे फटाफट बनाकर सर्व कर सकते हैं, सभी को बहुत पसंद आएगा। रेसिपी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तरबूज की जूस बनाने के लिए हमें लेने होंगे तरबूज। मैंने इन छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है। 2 टेबल स्पून शुगर, 1/2 लेमन, 1/2 टेबल स्पून जीरा और काला नमक का पाउडर, 4 से 5 आइस क्यूब्स। अब जूस बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक जार लेंगे और अब एक एक करके सारी चीज़ों को डालेंगे। कटे हुए तरबूज डालेंगे। मैंने तरबूज की बीज नहीं निकाला है, आप चाहें तो बीज निकाल सकते हैं। अब चीनी डालेंगे 2 टेबल स्पून। अगर आपकी तरबूज ज़्यादा मीठा है तो आप अपने हिसाब से चीनी डालिए। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा और काला नमक का पाउडर, का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम 4 से 5 आइस क्यूब डालेंगे, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम जार को कवर कर लेंगे और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इसे हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, ये देखिए। अब हम इसे स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे कि जो बीज वगैरह है वो निकल जाए। हम इसे अच्छे से छान लेंगे। मैंने पूरा जूस छान लिया है, ये देखिए बीज निकल गया है। अब हम नींबू का रस भी निचोड़ कर मिला देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये पूरी तरह से बनकर रेडी है। अब हम सर्विंग ग्लास में इसे सर्व करेंगे, ये देखिए। अगर आपको ज़्यादा ठंडा जूस पसंद है तो आप आइस क्यूब ऊपर से डाल सकते हैं। तो आप इस गर्मियों में ये तरबूज का जूस को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।